आगे समझ में है हमने तो बाल ये बाल का आदेश दे दियो हम तो तैयार है। किस चीज दी भाई उसके अंदर करवाना हो बना रखे मैं अध्यक्ष है चोर बिटी चोर है हमने बहुत ही महंगा दिया था इसका क्या पेउंस है किसान आंदोलन में भी थे आज अरे हाँ तेरा भी ने कह दिन के हो और जय दिन कहेंगे जय दिन के हाँ कितना रहे हो आप हिसार से सतुल खाप में हाँ हूँ आप बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं जी ऑर्डर कौन दे पे तो ये डर रहे हैं ये बताते तो कौन की में अरे FIR तो उस पर होगी है नुका फिर भी बैठे हैं ये हो रही है लिस्ट ला रही होगी पकड़ लिया आई हो क्यों ला रखे होगी पर्चा लिख ये करा कि पकड़ लिया हूँ 85 धाराओं के तहत 38 मुकदमे की तेल लग रही है क्या हुआ FIR तो होगी पढ़ ली होगी आपने और अब एक दो FIR और दर्ज होगी पेपर पड़ गया इसको गिरफ्तार करें इसके पद से इसको हटाया जाए उसके बाद जांच कमेटी बिठाई जाए इसको दोषी साबित करके जेल के अंदर डाल दिया जाए इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता इतने मुकदमे हैं भाई मोदी का हाथ इसके सिर पर है और देखिए सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ा अन्याय है ये देश के मान सम्मान के साथ अन्याय है देश की बहु बेटियों के साथ अन्याय है इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका देख लिया क्या नतीजा अब ये सबसे बड़े मान और सम्मान की बात है जिसकी रक्षा ये सरकार नहीं कर सकती एक नहीं इस प्रकार के काफ़ी सारे मुकदमे हैं इनके ऊपर और उसके बाद भी सरपरस्ती किसकी है मोदी की है अभी तक भोगाट क्यों नहीं आ रही देखिए ये उनका अपना राजनीतिक मामला है आप पिछले इवेंट में भी सब कुछ देख चुके हो अब ये बात एक एक व्यक्ति की नहीं ये समाज की बात है ये पूरे समाज की बात है बेटियों का मान सम्मान समाज के लिए है अमिताभ फोगाट भी तो एक पहलवान है और एक महिला है वो भी समाज से ही है वो क्यों नहीं आ रही भाई सोच बदल चुकी है राजनीतिकरण हो चुका है उसका ये बात मायने रखती है दूसरी बात मैं कहना चाहता था मीडिया के बाद अब जो मेन स्ट्रीम है मीडिया की जिसको हम आजकल गोदी मीडिया कह रहे हैं वो कहाँ है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं और उसको मान्यता भी दी गई है और इस प्रकार के मुद्दे यदि वो मीडिया उजागर नहीं करेगी तो कौन करेगा बबीता यहाँ पे नहीं आ रही चुनाव में फिर बबीता के साथ क्या होगा बहिष्कार होगा भाई और क्या होगा हम तो और कुछ सजा तो हम दे नहीं सकते हम तो वोट से मना कर सकते हैं भाई तू बाहर रो या कैस कहाँ बबीता फोगाट नहीं आ रही है ताऊ भाई वोट आप बारा हमें उतनी गेर दिया गेर है को नहीं यू इलाज मारो के उसके क्या कर सका है बस यू इलाज मार दो रहे सिंध भी नहीं आ रहा हिसार तो लड़ेगा तो सिंध देख लें तू सिंध बैठे हैं तू सिंध तो बैठे हैं उसको क्यों आ क्यों नहीं रहा आना चाहिए उसको ये सरकार है मलाई थोड़ा मलाई का है ये मलाई खानी है चोर है मिट्टी चोर से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आप किधर से आए राम राम चरखी दादरी से चरखी दादरी से आए लेकिन आप लोग तो आए हैं लेकिन बबीता फोगाट क्यों नहीं आ रही है भाई साहब उसमें पार्टी प्यारी हो रही है आजकल बबीता फोगाट अगर फिर चुनाव में आएगी तो टेम बताओगा सब ना टेम बताओगा चरखी दादरी से है ना आप बताओ हम तो पक्का बतावांगे मौका देखा हाँ बाट देखा हाँ की डाल बतावांगे वो टीम बता देगा क्या राजनीति ऊपर रख ली बबीता फोगाट ने अपनी तो अपनी बाण से पहली राजनीति हो रही है वो भी छोटी बाण संगीत आ रही है वो ना ही ऐसा क्यों है अब FIR हो गई अब इससे आगे क्या चाहते हैं आप लोग गोली मार दी FIR हो गई तो गोली मार दी उसका मर गया वो तो बाण बेटियाँ कोई इज्जत नहीं जितने मर जाए उतने मानेंगे हम तो चरखी दादरी से भी लगातार खापे आ रही हैं आपके वहाँ से आ रही हैं पंचायत भी हुई थी कई वो तो बढ़िया है फैसला भाई सारे हाँ लेकिन गिरफ्तारी तक डटे रहेंगे पहलवानों का ऐलान है बिल्कुल कल रात को आ लिए थे जब बजरंग पुनिया ने ये कही ना कि बिजली पानी काट दिया था रात को 11 बजे यहाँ पे आ लिए थे तो कल बिजली पानी काट दिया गया था आज रात को भी भारी संख्या में रहोगे यहाँ पे वो देखते हैं अभी क्या होता है रात की क्यों किया जा रही बिजली पानी और खाना है वो नहीं आने दिया गया कल भाई सरकार के एजेंडे हैं दबाने की कोशिश है कि रड़ दब जाए और आप क्या कहेंगे ये पहलवान बैठे हुए एक हफ्ता हो गया इनकी जायज मांगे हैं जो भी हैं इनके साथ जाति हो रही है देश का हर नागरिक इनके साथ में अच्छा इनको पहले कुछ लोगों ने जात या क्षेत्र से जोड़कर देखा गया आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जाति और क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है ये पहलवान है देश का गौरव है इन देश के गौरव के साथ देश पूरा खड़ा हुआ है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई FIR होने के बाद ये तानाशाही है गवर्नमेंट की तानाशाही है सरकार की जो ब्रजभूषण की वो नहीं हो रही है गिरफ्तारी बिल्कुल पूरा संरक्षण है
पूरा मूवमेंट क्या देश का मूवमेंट मान के चले, देश का ही मूवमेंट है, देश पूरा पूरा देश खड़ा है इनके साथ में, इनके साथ में वास्तव में अन्याय हो रहा है। ये लोग सड़क पे नहीं आते, ये देश का गौरव है, ये देश का नाम ऊंचा करने वाले लोग हैं, इन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी इन्हें अप्रिशिएट किया है उस समय। हाँ जी हाँ जी हाँ, आप समर्थन के लिए आए क्या कहें? देखिए जिस तरह से देश में खिलाड़ियों के साथ छात्रवाओं के साथ मजाक होते जा रहा है, हमेशा आप देख लीजिए देश में चाहे वो किसान हो, युवा हो, शिक्षक हो, सभी लोग हमेशा सड़क पर रखते। आखिर क्या कर रहा है सरकार, किसके लिए काम कर रही है, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप हमारे यहाँ देश के लिए लड़ती है, संघर्ष करती है, ओलंपिक लाती है, उनके लिए सम्मान नहीं है? पार्टी में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग, सांसद माफियागिरी करते हैं, इनके साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर भी सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, कदम नहीं पर बताइए। जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश का भविष्य है, देश गर्व करता है इन पर, पूरा देश आज इनके साथ है और फिर भी सरकार समझ नहीं रही है। हम ही लोग सरकार को चुनते हैं और सरकार हम ही लोग को सुनने के लिए हम लोग को इतना देर से बैठना पड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं एक क्षेत्र का मूवमेंट है, आप कह रहे हैं पूरे देश के खिलाड़ी देश का मूवमेंट है, कैसे? जब वो लड़ती है, वो खेलती है तो नाम किसका होता है? मोदी जी जब फोटो खिंचवाने जाते हैं, मेडल देते हैं, तब नाम किसका होता है? तो हम कैसे मान लें कि उनके साथ गलत हो रहा, उनके साथ कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि ये पर्सनली है, देश के लिए नहीं है? जब हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो जब हमारा इशू आ रहा है, जब हमको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम कैसे मान लें? हमको तो कोई सुनने के लिए आएगा ना भाई, उनकी क्या मांग है, उनके साथ क्या हुआ है, कोई सुनने वाला है? अभी कोई नहीं है। तो ये बात हमेशा छात्र हो, युवा हो, खिलाड़ी हो, नेशनल खिलाड़ी हो, स्टेट खिलाड़ी हो, उनके साथ मजाक हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। खास करके हमारे यहाँ ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों की आ रही हैं जो समर्थन के लिए यहाँ पे आए हैं। आप क्या कहेंगे, समर्थन के लिए आए हैं पहलवानों का? समर्थन के लिए आया हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ इन बच्चों के साथ न्याय हो, जो इनके साथ अन्याय किया गया है। अभी भी समय है सरकार के पास, सरकार को चाहिए कि पहले उनको MP अपने पद से हटाया जाए, उसके बाद जो जांच हो, और जांच नहीं, अगर कोई आम आदमी ये काम करता है तो उसको पहले जेल होती है, उसके बाद जांच होती है। इनको भी पहले पॉक्सो में और अदर एक्ट में जो भी इन पर लागू होता है, इनको अरेस्ट करना चाहिए, उसके बाद जाँच होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। आप तो देखो स्टिक लेके आए फिर भी स्पोर्ट के लिए आए, कारण क्या है? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों के साथ न्याय हो। खाली हमारे ये बच्चे ये बच्चे हरियाणा के, चाहे स्टेट अदर स्टेट के, यूपी के, बिहार के नहीं है, ये बच्चे हमारे शान है, ये हमारे, हम अपनी शान के साथ में आया हूँ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। यहाँ क्या कहेंगे सर? उनको जेल होनी चाहिए सर, ब्रजभूषण को। जी सर, हम बिहार छपरा के रहने वाले हैं और पहलवान लोगों के समर्थन में हम आए हुए हैं, बदरपुर मीठापुर से आए हुए हैं। हम न्यूज़ काफ़ी सर देखते हैं और न्यूज़ से बहुत काफ़ी हमें प्रेम है, लगाव रहता है, हम देश के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। बिहार से आए हैं, दूर दूर से समर्थन बढ़ रहा है। आप महिलाएं आई हैं और देखिए महिला पहलवान है बैठी हुई हैं एक हफ्ते से, कि आप समर्थन के लिए आई है, क्या कहेंगे मैम? उनके साथ अन्याय हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए, और ये बीजेपी ने ये सब कुछ गलत किया है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए उनको, और उन्हें मिलना चाहिए न्याय। ये सुरक्षित महसूस करती हैं जब इस तरह की घटनाएं होती हैं? कहां पर सुरक्षित महसूस करेंगी, सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी? जब उस लड़की के साथ ऐसा हो सकता है तो आम तो महिलाएं बाहर भी नहीं निकल सकती घर से, कहाँ सेफ है फिर महिलाएं? आप अपने समर्थन में क्या कहेंगे पहलवानों के लिए आए हैं? देखिए एक तरह तो केंद्र सरकार कहती है कि महिला सुरक्षित हैं, आप देख ही रहे महिला सड़कों पर बैठी हुई है और अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रही है, मगर उनके वो किसी की आवाज़ सुनने को राजी नहीं है। उनका जो विधायक है ब्रजमोहन जी, उनकी ये लापरवाही से ऐसे कानून उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और यहाँ की पहलवान महिलाएं बैठी हुई है। बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हमारे देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम नारी सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि कोई भी कदम ऐसा नहीं है जो नारी सुरक्षा के लिए हो। आज बेटी सुरक्षित नहीं है। इस मुद्दे पर सीधा प्रधानमंत्री को आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों जिम्मेवार हैं इसके लिए? क्योंकि देखिए जो विधायक है उनके ऊपर जो इल्ज़ाम रखा गया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये आवाज़ उठा रहे हैं पहलवान महिला, उनकी सुननी चाहिए। कई दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, कोई सुनने को राजी नहीं है। आज हम ही देखकर, मीडिया में देखकर, टीवी में देखकर इनकी आवाज़ को
देखने के लिए, उनके समर्थन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि वो कुछ ना कुछ सुने और इनकी आवाज़ को बुलंद करें और इनकी जो मांग है उनकी पूरी करें। आप क्या कहेंगी मैडम? मैं तो यही कहूँगी, अगर उनके साथ गलत हुआ तो उनको न्याय मिलना चाहिए। लगातार ये मूवमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार प्रतिक्रियाएं है वो सामने आती जा रही है कि न्याय मिलना चाहिए। शुक्रिया।